इसके लुटिनो, ये भी अल्बिनो है, ये देख लीजिए बहुत खूबसूरत। पेट गुरु का नया एपिसोड और आपका स्वागत करता हूं मैं अज्जू, आप लोगों का दोस्त। दोस्तों कैसे सेटअप को अलग किया जाता है ये आप लोगों को देखना है, क्योंकि 4 महीने पहले मैंने और फजल भाई ने यहां पर विजिट की थी और सन कनूर की ट्रीटमेंट की थी और कुछ सजेशन दिए थे हमने जयदीप भाई को कि आप बर्ड सेटअप में चेंजेस किए। उन्होंने पूरा बर्ड सेटअप दोस्तों बिल्कुल बदल दिया है, इतना खूबसूरत बर्ड सेटअप है, अभी भी प्रोग्रेस में है। तो चलिए फटाफट की स्टाइल में आज देखेंगे और जयदीप भाई क्या चेंजेस किया आपने वो बताइए पहले दर्शकों को। मैंने जो पहले ओपन में जो सारी बजरी रखी थी वो सबको सेपरेट केज में डाल कर दिया और ब्रीडिंग पेज के साथ मेरा एक क्लच तो पूरा भी हो गया ये बार। तो बच्चे आए? हाँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। कितना मुझे? कितने बच्चे आए ये बार मेरे को? तकरीबन पहले तो समझो ना कोई बच्चे निकलते नहीं थे, पर ये बार 30-40 बच्चे निकले। अब आप देखिए ये सजेशन से काम हुआ है, ठीक है, एक दूसरे से दोस्त बन के ये काम हुआ है। तो हमने सजेशन दिए थे, उन्होंने एक्सेप्ट किए और रिजल्ट है आपके सामने। जी जयदीप भाई, और ये बार तो काकाटेल में भी अच्छा ब्रीडिंग है मेरे पास और सन करोड़ में भी मैटिंग तो स्टार्ट हुआ, अभी कोई ब्रीड नहीं क्लियर हुआ पर मैटिंग स्टार्ट हो चुका है अभी। तो चलिए दोस्तों फटाफट की स्टाइल में मेरे पीछे यहीं पर आप जो देख रहे हैं ये सेटअप ही है, लेकिन दरवाजे से चलेंगे और देखेंगे। यहाँ पर बहुत बड़ा गार्डन है लेकिन अभी मैं रात को आया हूँ तो यहाँ कभी ना कभी मैं सोचता हूँ कि जैसे दीपांकर दादा की आपको आइवियरी दिखाई थी वैसा ही कुछ हमारे जयदीप दादा कुछ बना के दिखाएं, ठीक है। चलिए दोस्तों फटाफट की स्टाइल में अंदर चलते हैं। ऊपर वाले की इच्छा होगी तो ऐसा बड़ा एक केज यहाँ पे भी बनेगा। देखो बाहर का मैंने स्ट्रक्चर तो खड़ा करके रखा हुआ है, देखते फिर क्या होता है। देखिए पूरा बहुत बड़ा है, यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ है। और ये नॉट ओनली बर्ड लवर, ये पेड़ पौधों से भी बहुत प्यार करते हैं और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी आएंगे। मैं आता रहता हूँ, हमारे जयदीप भाई जो हैं जीपीएस के हमारे मेंबर हैं तो मैं कभी कभार इनसे बहुत हेल्पफुल है, मिलना हो जाता है टाइम टाइम से, कुछ ना कुछ काम के लिए मैं आता हूँ और फिर मिलना हो जाता है तो हम वीडियो बना लेते हैं आपके लिए। चलिए दोस्तों फटाफट की स्टाइल में अंदर चलते हैं। जयदीप भाई का घर पीछे है लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा मैंने जैसे सेटअप में बैठने के लिए बनाया था, आप लोग आए तो बैठ सकते हैं यहाँ पर। चलिए जयदीप भाई के पहले नंबर ले लेते फिर अंदर शोर ज़्यादा होगा। जी जयदीप भाई नंबर दे दीजिए अपने। 88 5 6 2 1 88 5 6 2 1 2 1, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपकी बैठने के लिए होगा। आप देखिए ये है हमारा सेटअप, बिल्कुल उलझा हुआ सा सेटअप था, बिल्कुल अस्त व्यस्त सा सेटअप था लेकिन हर चीज़ को उन्होंने मेहनत से किया है। और ये लगभग 2 महीने के बाद ही मुझे बोल दिया कि अज्जू भाई जैसा आप लोगों ने बोला था वैसा किया है और देखिए रिजल्ट भी उनको मिला है। 3 फीट की केज में इन्होंने सन कन्यूर रखा है, ये सन कन्यूर की फीमेल को ठीक किया था, ठीक है, अभी आपके सामने है, ये देख लीजिए। 3 फीट का केज देना ज़रूरी है सन कन्यूर को, 2.5 फीट में भी ब्रीड करेगा लेकिन 3 फीट दीजिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और दोस्तों आज ही मैंने एक वीडियो बनाया है फिंचिस से लेकर मकाओ के लिए कितने फीट का केज बनाना है तो वो आप जाकर देखिए। यहाँ पर दूसरी पेयर किसकी है जिग्नेश भाई? ये किसकी है जिग्नेश भाई? कनू पाइनएपल और येलो साइडेड है, इसको भी इन्होंने मेरी तरह 3 फुट की दोस्तों दिया है, ठीक है, बहुत खूबसूरत। और यहाँ से आप सामने जाएंगे तो यहाँ देखिए पूरे प्रॉपर मैनर में केजेस लगाए हैं इन्होंने। कुछ लव बर्ड देखेंगे, कुछ अच्छे अच्छे बजीज देखेंगे, बहुत सारे बजीज इनके पास। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो नंबर दिया है मैंने, कॉन्टेक्ट आप कर लीजिएगा। यहाँ लव बर्ड की पूरी कॉलोनी और ये केज देखिए, नीचे ट्रे बनी लगी हुई है, ठीक है। ये बनवाया आपने? यार ये रेडीमेड एक दोस्त से गिला था, हाँ उनसे लिया था, ठीक है। वरना दोस्तों बहुत महंगा बनता है ये, क्योंकि आप आजकल लोहे का प्राइस बहुत ज़्यादा है। चलिए लव बर्ड देखते हैं। तो दोस्तों देखिए अब ये लव बर्ड बहुत सारे, बहुत अच्छी फ्लाइट कंडीशन दी है, बहुत खूबसूरत। बहुत बड़ा केज है, इस केज में अगर आपको दोस्तों इनफेक्ट इन्होंने ये जो केज दिया है ना थोड़ी सी चौड़ाई कम है, वरना ये अफ्रीकन ग्रे के लिए भी सही था। हाइट इसकी सही है, चौड़ाई सही है, खाली जो गहराई जो होनी चाहिए वो थोड़ी सी कम है, वरना ये अफ्रीकन ग्रे के लिए भी काम कर सकता है ये केज।
लगभग 5 फीट की हाइट है और लगभग ये 6 फीट जितना चौड़ा है। चलिए दोस्तों एक और पेड़ अंडे पे है, देख ही लेते हैं सीधे। ये लुटिनो की पेड़ है। चलिए परेशान नहीं करेंगे, अंडे हैं अभी इसके, ठीक है। तो देखिए रिजल्ट चेंज किया तो, और यहाँ पर बहुत अच्छे हॉलैंड बजीज के कलर हैं। और हम लोगों ने दोस्तों ऑब्जर्व किया, मैंने जयदीप भाई ने, कि हॉलैंड बजीज में 90% 80% मेल ही निकल रहे हैं। मेरे यहाँ भी सारे मेल निकल रहे हैं, इनके यहाँ भी रिजल्ट देखिए वही है। दोस्तों एक आल्बिनो है पूरी तरीके से, ये देखिए रेड आई है, और दूसरा बुल है या वाइट है, ये भी आल्बिनो है। सारे मेल है, एक स्पेंगल है, ये शायद फीमेल हो सकती है और शायद मेल, कुछ कह नहीं सकते, आगे चल के पता चलेगा। बहुत छोटी अभी उम्र है। एक और कुकाटेल की यहाँ पेड़ है लुटिनो, यहाँ पर एक बजीज की पेड़ है, देखिए अंडे। एक और लव बर्ड की पेड़ है जिसने अंडे रखे हैं, चलिए देखते हैं। सारे अंडे फर्टाइल है और दूसरे कोने में भी अंडे हैं। दोस्तों एक समय था हर कोई लव बर्ड की ब्रीडिंग करवाने में लगा हुआ था, लेकिन आज लव बर्ड थोड़े से दोस्तों डाउन है। हाँ दोस्तों यहाँ पर लव बर्ड की काफ़ी फीमेल जयदीप भाई के पास हैं, आप लोगों को नंबर दिए हैं, आखिर में भी मैं दूंगा, आप कॉन्टेक्ट करिए, यहाँ विजिट करिए, कुछ हेल्प मांगिए इनसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्रिप्शन में भी कुछ दिन के लिए नंबर होंगे। आप दोस्तों आगे बजीज को इन्होंने इंडिविजुअल किया और वो रिजल्ट हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ छोटी सी एक कॉलोनी बनाई है बजीज की, ये घर के पट्टे अभी इसी बार हुए। क्रेस्टेड बजीज भी है इनके पास, और ये एक लवबर्ड की कॉलोनी इन्होंने पिछली बार भी थी, इस बार भी है, लेकिन ये बच्चे आए हैं, देखिए आपके सामने ये रिजल्ट है। पहले इस कमरे में पूरे में आपको पिछला वीडियो देखिएगा कि कैसा हमने वीडियो शूट किया है, और ये देखिए अब कलर कलर के केजीज आ गए हैं, ठीक है। तो अब रिजल्ट मिल रहा है पेयर बाय पेयर में, बिकॉज कॉलोनी में बर्ड सेट नहीं हो रहे थे तो नहीं हो रहे थे। कई बार लोग बोलते हैं कि मेरी कॉलोनी में सेट नहीं हो रहे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, और हो जाएंगे तो आपको उसमें भी बहुत अच्छी ब्रीड मिलती है, ठीक है। अब एक और 100 बजीज इनके पास पेयर है, देखिए, ठीक है। ये लेफ्ट साइड मेल है, मेल आइडेंटिफाई कैसे करना है नए लोगों के लिए, थूथन ब्लू होगी, ठीक है। और फीमेल देखते हैं, यहाँ पर प्रोग्रेस है, 2 अंडे हैं अभी, ठीक है। और ये जो है फीमेल है, आप देखिए फीमेल की थूथन आप ऑब्जर्व करिए कि वाइट कलर या ब्राउन कलर की ही होगी, ठीक है। लेकिन हॉलैंड बजीज की ब्रीडिंग साइज जो है वो 10 महीने के बाद कम से कम वो ब्रीड करता है, जैसे नॉर्मल बजीज है वो 4 महीने के बाद ब्रीड कर लेता है, ऐसा नहीं है, ये 10 महीने के बाद अच्छी ब्रीड करता है। अब दोस्तों फीमेल दिखा देते हैं आप लोगों को, देखिए ये फीमेल है, ठीक है। इसी फीमेल के अंदर बच्चे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, फोकस थोड़ा सा करने में देर लगेगी, लेकिन आप देखिए ये ब्राउन थूथन है, इसकी थूथन जो है वाइट नहीं है, ठीक है। तो ये आल्बिनो बाहर बच्चे देखे, ये इसी के हैं, और मेल है अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। इसको अंदर छोड़ देते हैं हम, ये देखिए ये इसका मेल है। कई बार इनके दोस्तों अंडे इनको खुद ख़राब लगते हैं तो ये निकाल देती हैं, ठीक है। अंडे देख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे कुछ घर के बजीज हैं, देखिए पीछे लुटिनो बैठा हुआ है, ठीक है। ये देखिए तो यहाँ पे ये घर के बजीज है, कुछ ऊपर पेड़ लगाई हुई है। चलिए लवबर्ड अब देख लेते हैं, ठीक है। गोल्डन चेरी लवबर्ड, इसमें भी मैं विस्तार से आप लोगों के लिए मेल फीमेल कैसे बिना डीएनए के आइडेंटिफाई करना मैं बताऊंगा आप लोगों को कभी। तो छोटी सी कॉलोनी यहाँ पर बनाई है, यहाँ पे भी दोस्तों कुछ रेनबो के आसपास के कलर हैं, स्पेंगल है, पाइड है, फेलो है, वैसे कुछ कलर्स यहाँ पर हैं, ठीक है। लेकिन प्योर रेनबो कलर नहीं है, ठीक है। प्योर रेनबो की पूरी एक मार्किंग की एक बनी होती है, वो मार्किंग होनी चाहिए। अब दोस्तों इसमें ब्रीडिंग बहुत सारी है, लेकिन अंदर है तो हम परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ब्रीडिंग है,
सब में ब्रीडिंग दोस्तों यहाँ पर है। तो ऐसी छोटो की कॉलोनी दोस्तों आप बना सकते हैं अगर बनाना चाहते हैं घर पे। अब दोस्तों जाते जाते एक बहुत खूबसूरत पेड़ दिखाऊंगा, होगोरोमो, ठीक है। बहुत ही इसका क्रेज बीच में चला था और अहमदाबाद में उतना क्रेज नहीं है, लेकिन पूरे सौराष्ट्र रीजियन में तो बहुत क्रेज है। हमने बहुत अच्छी सीरीज बनाई है चैनल पे, बहुत बड़े बड़े ब्रीडर हैं। आप ये देखिए, इसकी ब्रीडिंग भी करवा ली है। आगे बैठा है वो मेल है, पीछे फीमेल है। नथुने देखिए, उस पर से आपको पता चलेगा। और प्रॉपर क्वालिटी डबल फ्लावर में है और प्रॉपर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी है। उसको ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी है इसमें, ठीक है। चलिए तो दोस्तों बहुत सारी बजीज रखी हैं, बहुत कलर हैं, अलग अलग कलर हैं। तो मैं फिर से जयदीप भाई को सजेशन है कि आप इतने बर्ड लवर हो, अच्छी बात है, लेकिन बजीज का क्या है, एक मार्केट रेट तय है, उससे ज़्यादा आपको रेट नहीं मिलता। तो इंडिविजुअल ब्रीडिंग भी करवा रहे हैं तो थोड़े अच्छे कलर्स की ही करवाएं, और बाकी जो 2 फीट केज है उसमें आप या तो होलैंड डालिए, या आप ऐसे आप हेलीकॉप्टर बजीज या होगोरोमो बजीज डालिए जिसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू थोड़ी अच्छी है। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा इनको। और साथ में अगर लव बर्ड तो अभी मार्केट थोड़ा डाउन है, लेकिन अगर कोई म्यूटेशन, महंगा म्यूटेशन मिल जाता है, जो जैसे अभी आल्बिनो भी बहुत सस्ता हो गया, तो इसमें 2 फीट में दोस्तों अच्छी ब्रीड करता है। इवन कोकाटेल भी अच्छी ब्रीड 2 फीट में कर लेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर फिंचिस भी धाकड़ ब्रीडिंग कर रही है और बॉक्स लगाए हैं इन्होंने, पूठे के बॉक्स, ठीक है, उसमें ब्रीडिंग हो रही है। 15 फिंचिस लाइफ है ना, और इसकी 30 से 40 फिंचिस अभी हो चुकी है। ऊपर बैठे हैं वो बच्चे हैं, आप देखिए, और ये सब बड़े हैं। अब लव बर्ड भी, चलिए दोस्तों चलते चलते हम देख रहे हैं लास्ट में, बहुत खूबसूरत यहाँ पर लव बर्ड भी हैं। तो काफ़ी चेंज किया और रिजल्ट दिखाया। आने वाले दिनों में जिग्नेश भाई जो है, जिगिस भाई, हम जिगिस भाई कहते हैं, वैसे नाम जयदीप भाई है, और भी चेंजेस करेंगे और बड़े बर्ड लाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। बजीस जो है थोड़े कम हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते चलते चलिए जिग्नेश भाई के नंबर ले लेते हैं। जिगिस भाई नंबर आपके दे दो। 8 5 6 8 5 6 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1, ठीक है। 5 बार बीच में 6 है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा एपिसोड, काफ़ी कुछ बदला है। अभी भी बहुत सारे बजीज को इंडिविजुअल ब्रीडिंग करवा रहे हैं, लेकिन आपको उतना वैल्यू नहीं मिलेगा। पंछी प्रेमी हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट थोड़ा सा सेटअप का खर्चा निकलना चाहिए, उतना हम कर ले तो बहुत अच्छी बात होगी। तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि जयदीप भाई क्या चेंजेस करते हैं और फिर क्या नया लाते हैं। तो जयदीप भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा ब्रेक।